हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल सूजी के लड्डू की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूजी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी सूजी और सेम कटोरी के साइज़ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को पहले ही भून लिया है। आपको बिना घी बिना तेल में सिर्फ इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। आपको सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, सूजी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। अब सूजी को मैंने एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस सूजी के अंदर हम अभी जो हमने सूजी वाली कटोरी ली थी सेम उसी कटोरी की साइज़ से 2 कटोरी हमें दूध लेना है। ये दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ही तो ये ठंडा है ना ही ये गर्म है। गर्म किया हुआ दूध हल्का सा गुनगुना हो तो भी चलेगा। अब आपको 2 कटोरी दूध इसके अंदर डाल देना है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर लगभग आधे घंटे के लिए या फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब हम हमारी सूजी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सूजी ने दूध जो है थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लिया है। हमारी सूजी जो है थोड़ी सी फूल गई है, ये देखिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम उसके अंदर डाल देंगे ये मिक्सचर। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। 5 से 6 मिनट में ही आप लोग देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। बहुत कम टाइम लगता है इसे गाढ़ा होने में। ये देखिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही हुए हैं हमारी सूजी को पकाते हुए। 8 से 9 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे पेस्ट की थिकनेस, ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है। अब ये बिल्कुल सही टाइम है इसके अंदर घी ऐड करने का। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। अभी मैं इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच घी ही ऐड कर रही हूँ, ज़रूरत पड़ने पर हम इसके अंदर और घी ऐड करेंगे। इस पूरी रेसिपी में लगभग 3 से 4 चम्मच घी लग जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर गीले वाले हलवाई स्टाइल सूजी के लड्डू बना रहे हैं जो कि गीले बंदे बंदे से जो लड्डू होते हैं। अगर आपको इस तरह के गीले गीले बंदे बंदे लड्डू पसंद है तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अगर आपको सूखे वाले लड्डू पसंद है जो कि बिखरे हुए होते हैं तो उस टाइप के सूजी के लड्डू की रेसिपी में आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये हलवाई स्टाइल बंधे हुए सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस टाइप के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है किसको कैसे लड्डू पसंद है। ये देखिए हमारा जो पेस्ट है ये वापस ठीक हो गया है और इस सूजी ने घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। आप चाहे तो इस टाइम पर 1 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी चीनी। ये सेम वही कटोरी ली है मैंने जिससे कि हमने सूजी को मेज़र किया था। आपको सूजी और चीनी दोनों बराबर क्वांटिटी में लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी चीनी डाली है। अगर आप चीनी का पाउडर डालते हैं तो आपको बिल्कुल लास्ट में गैस बंद करने के बाद डालनी होगी। मैंने यहाँ पर पूरी चीनी ली है इसलिए यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर डाल दी है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जिसे हम खोपरे का बूरा भी बोलते हैं। आपकी जो चॉइस उस तरह से आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर चीनी पाउडर डालें तो बिल्कुल एंड में डालें गैस बंद करने के बाद। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे इसके अंदर चीनी डाली आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है वापस लिक्विड होने लगा है क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। बस आपको कंटिन्यू इसे इस तरह से पकाते जाना है मीडियम फ्लेम पर और ये धीरे धीरे इस तरह से ठीक होता रहेगा। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरे पैन में 1 चम्मच फिर से देसी घी लिया है। अब इस घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता किशमिश सारे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जब भी आप सूजी के लड्डू बनाएं तो इस तरह से घी के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा
फ्राई कर लें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू तो इतनी अच्छी आती है कि पूछो ही मत। तो प्लीज़ आप जब भी लड्डू बनाएं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को घी के अंदर फ्राई ज़रूर करें, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, मुश्किल से 1 मिनट। अब ड्राई फ्रूट्स के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, पूरे घर में खुशबू आ रही है मेरे। आप भी इसी तरह से हल्का सा इन्हें फ्राई कर लें, जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को इस मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको ये बिल्कुल हलवे जैसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये थोड़ा बिखरता जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इस टाइप के लड्डू बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। सूजी के लड्डू वैसे लोग कई तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा घी वाला और ज़्यादा टाइम वाले लड्डू बता रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको फास्ट मेथड वाले लड्डू की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है बिखरने लगी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसे 5 मिनट और से भून सकते हैं 1 चम्मच घी और ऐड करके, लेकिन मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब आपको इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, मुश्किल से 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देना है। और आप देख सकते हैं ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। जब हल्का सा गुनगुना रह जाए, मतलब 5-7 मिनट के बाद आप इसके लड्डू बांधना स्टार्ट करें। ये देखिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे लड्डू बनकर इसके रेडी होंगे, और यकीन मानिए इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे थोड़ी देर और पकाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 1 चम्मच घी और डालना होगा और मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू और पकाते जाना होगा। जितना ज़्यादा आप इस मिक्सचर को पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ये उतना ज़्यादा बिखरी हुई हमारी सूजी होती जाएगी। इस टाइप के लड्डू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, लग रहे हैं ना हमारे लड्डू कितने प्यारे, कितने सुंदर, बिल्कुल हलवाई जैसे। अब हलवाई जैसे गीले गीले बंदे बंदे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।